उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री के द्वारा किया गया कन्या पूजन। पूर्व मेयर एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री नीलिमा कटिया एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह पटेल की अगुवाई में मानस मंच पार्क में विशाल कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री नीलिमा कटिया एवं पूर्व मेयर जगतवीर सिंह दोल ने रामनवमी के उपलक्ष्य में सामूहिक कन्या पूजन कर कन्याओं को प्रसाद वितरण किया। इस दौरान राज सिंह हसन परिवार के डायरेक्टर शिवम पटेल के द्वारा विशाल माता का जागरण एवं कीर्तन कराया गया। सामूहिक कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मुख्य रूप से अपर जिला जज आलोक अग्निहोत्री, अंकित शर्मा, पौरुष सोनकर, सुबोध द्विवेदी, डॉक्टर अजय गुप्ता, दिलीप द्वारिका वर्मा सहित काफी तादाद में क्षेत्रीय आम जनमानस मौजूद रहे। अतुल सविता की रिपोर्ट। तो क्या कार्यक्रम कराया गया? मैं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ परिषद से कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह पटेल है। आज माननीय मंत्री जी नीलिमा कटियार जी मेरी बहन के द्वारा और माननीय कैप्टन जगदीश सिंह गोड़ जी जो दोनों लोग उपस्थित रहे, उन्होंने प्रसाद का वितरण किया अपने कर्मों से और उनने आशीर्वाद दिया राज सिंहासन परिवार को कि इसी टाइप से सकारात्मक सोच से आप हमेशा करते रहेंगे, माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। कितने भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया? करीब मेरी यहाँ पर मानस मंच पार्क में करीब 5000 बच्ची और बच्चे और जो उनकी माता और बहने सभी लोग रहे। भंडारे में कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया? हजारों संख्याओं में लोग आए और वहाँ पर प्रसाद का ग्रहण किया, जिससे जनमानस पूरा आज माता रानी की तरह से खुश है। झांकियाँ क्या क्या भजन कैसे गया? यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था जो जागरण परिवार की तरफ से, जैसे जागरण होता है वैसे ही माता का जागरण भी किया गया था। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।